अपनी माँ के पास जरूर आ जाना। ठीक है माँ, तू मेरी चिंता मत करना। अरे आपका लाल आपका नाम रोशन करेगा माँ। तो ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मैं कहती थी ना कि शायद हमारी भी जिंदगी में खुशियों का फल जरूर आएगा, इसीलिए मैं देवी माँ से यही मन्नत मांगी हूं कि मेरा बेटा शायद कोई नौकरी पा जाए। तो हे देवी माँ, मैं तेरे चौखट पे आकर 1 किलो लड्डू और साथ में 1 नारियल चढ़ाऊंगी कि अपनी ही जिंदगी में खुशियों का फल मुझे मार कर खेत देते हैं। इससे अच्छा एक हुआ दिखाई पड़ रही है, मैं इसी में खुद कर अपनी जान दे दूंगा। इस दुनिया में अब कोई नहीं रहेगा, अब मैं इसी कुएं में खुद कर जान दे दूंगा। ठहर जा सावन, ये क्या करने जा रहा है? तो इस कुएं में खोद कर अपनी जान देने जा रहा है? नहीं सावन, नहीं, तो ऐसा मत कर। और ये जो तेरे बदन में रोग है सावन, तुमने शबनम को धोखा दिया है, क्योंकि शबनम तुमसे सच्चा प्यार करती थी और तुमने उसके प्यार के साथ में बेवफाई की है। सावन, ये उसी शबनम का दिया हुआ श्राप है जो आज तुम भुगत रहे हो। और हां सावन, ये तुम्हारा कोड, तुम्हारे बदन का है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हें तुम्हारी वो शबनम हंसकर मुस्कुराते हुए तुम्हें अपने सीने से लगाएगी, उसी दिन तुम्हारे बदन का ये कोढ़ दूर होगा। सावन, हाँ सावन, हाँ, ये कोढ़ उसी दिन दूर होगा जब शबनम तुम्हें मुस्कुराकर अपने सीने से लगा लेगी। शबनम, तू कहाँ है? आखिर इस इंसान को अपने गले से नहीं लगाएगी। आज ये किस हाल पे अट गया है शबनम कि मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? ये शबनम इस दुनिया में किसी का ठिकाना नहीं, क्या हो जाए? अब मैं क्या कहूं कि दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मैं तो सोचता था कि तेरा नाम नहीं होगा, लेकिन इतना कहने के बाद तेरे दिए हिसाब से मुक्ति तेरे हाथ मिलेगा। दुनिया में तेरा है बड़ा।
और मुझे बहुत दौड़ाया है, आज तुझे हराम जादे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे मारे। हेलो, राइटर वो पे ध्यान दे, राइटर वो पे ध्यान दे, आगे रंजीत रंजीत सिंह ग्राम शिका निवासी घर मालिक को 201 रुपए व्यवहार और चेंज सीनरी देखते हुए लगा 10 रुपए का पुरस्कार हुआ। पार्टी स्वागत करती चालू। हराम जादे सावन, तूने हमारे दोस्त और मुझको बहुत तड़पाया है, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर आपकी इच्छा तो ख्वाहिश पूरी कर ले, आज मैं एक निहत्था यानी कि लबक मार सकता। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा नाम क्या है, तू कौन आ गया है, तो हमारे बीच में क्या करोगे जानकर? पहले आप बताइए, आखिर आप इस बेचारे को इस तरह से क्यों मार रहे हैं? क्या बिगाड़ा है उसने आपका जो आप इस तरह से मारते हैं? शेखर, तुम थोड़ा होश में बात करो। आओ छोटे सरकार, किस तरह लड़के हो, लड़के की तरह रहिए, ज्यादा तेजी आवाज में बात मत करिए। छोटे सरकार, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आपकी कद्र करता हूँ, इसलिए हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। अगर आप इस रोगी को इस तरह सताएंगे तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहां से चले जाएं। हराम जादे, हमारी बात ध्यान तो सुनो। अरे कमीने, शर्म आई नहीं क्यों करता है रा? मुझे पटक कर मेरी जान लेना चाहते हैं, तो ठीक है, मेरी बात भी ध्यान से सुनो कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वाकिफ हो नहीं मेरे जुनून से, वाकिफ हो नहीं मेरे जुनून से, तुमको नहला दूंगा तुम्हारी खून से। उड़ती ही जहाज को मैं लंगर से मार दू, उड़ती ही जहाज को मैं लंगर से मार दू, और तुम जैसे हिचड़ों को मैं चुटकी से मार दू। आराम जादे, तेरे भुजाओं में ताकत है, आ मेरे साथ मर दे। Thank you.
दुर्गापुर बाजार। संजय 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 संजय